देखिए दीपक, लॉन्ग टर्म पिक भी अगेन आया है एनबीएफसी स्पेस से, जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया, 210 के लेवल्स पे आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसने 260 के करीब के हाईस करे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, हाल ही में नतीजे आए, सितंबर तिमाही के नतीजे बेहद ही दमदार थे, 450 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। और मुझे लगता है जिस तरह से बाकी के जो एनबीएफसी है अच्छे वाले, बजाज फाइनेंस है, उनसे कंपेयर करें तो मुझे ये वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। फिर रिलायंस ग्रुप की बैकिंग है, फंड्स के इश्यूज नहीं है, और बाकी इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है जो रिलायंस जियो के कस्टमर्स और रिलायंस रिटेल के कस्टमर्स, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इनके पास, यूजर बेस और डिजिटल फोकस है इस कंपनी का। और मेरा ये मानना है एनबीएफसी स्पेस आने वाले दिनों में भी जिस तरह से हम भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ देख रहे हैं, इट कैनॉट हैपन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी, और विद इन द एनबीएफसी स्पेस मुझे लगता है ये स्टॉक का एक अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड लगती है और मुझे लगता है 9 से 12 महीने में इजीली 300 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकते हैं।